माता जी ने मुझे भात परोस दिया है और इस बड़ी कढ़ाई में बना होगा दाल जी, मांस की दाल मांस की दाल। आज बनी है मांस की दाल और ये मांस भी हम बाजार से लाए हैं। हाँ यहाँ पर ताई चाची और मम्मी पालक उबाल रहे हैं। पालक निकाल रहे हैं और यहाँ पर ताई जी ने पालक बो रखी थी, अब इनको सब साफ कर रहे हैं। और चाची जी कैसी हो? ठीक है। और ताई आप? ठीक है यार, आज ये हरी सब्जी बना रहे हैं। आज तीन के तीन बना रहे हैं। तीन के तीन हरी सब्जी बना रहे हैं। जब पूरी सब्जी होगी तभी तो। क्यों? ये सब लुटेरे 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 कर रहे हैं। नंचन नहान नहीं हो जा रहा है। तेरे तेरे से तेरे नित्य काव काव रहा है। यहाँ से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने पूरे खेत में पहले ये जो गोबर है इसको मिक्स करना है, उसके बाद यहाँ पर बाबू ट्रैक्टर लगाएंगे तो ये पूरे खेत में लगेगा ट्रैक्टर और कल इसमें हम लगाएंगे आलू। तो अभी मम्मी इसमें गोबर डाल है, यानी कि पहले गोबर को मिक्स करते हैं, उसके बाद वहाँ पर बाबू देख सकते हैं ट्रैक्टर लगा रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, इतना सारा गोबर अभी हमने और मिक्स करना है। और हमारी माता जी की कमरपूट एक हो गई है, बस होगा कमरपीट? हाँ कमरपीट होगी। नहीं हुई है। क्यों? मेरे को तो शौक लग रही है काम करने की है। हाँ। तो दोस्तों आजकल बहुत काम हो रहा है तो मम्मी को बुला लेना, मम्मी को आजकल गोबर डालने की बहुत शौक हो रखी है। हाँ, आ जाऊंगी, मेरे को बुला लेना। पैसे लोगे आप फ्री में? फ्री में। तो मम्मी इतना बढ़िया ऑफर दे रही है, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो मदद मदद हेल्प, मम्मी मदद कर रही है। और मम्मी का नंबर नंबर बता दो अपनी। 09090941। मम्मी ने अपने मोबाइल नंबर भी बता दिया तो बेझिझक होके कॉल करे किसी भी समय, 24 घंटे उपलब्ध है मम्मी। मैंने ये छिपा रखे थे, ये मम्मी ने पत्थर छिपा रखे थे, अब इसको मम्मी ये ट्रैक्टर लगाने में ऊपर को आ गए। हाँ ये मेरे को उतार दे इसको। इसको मम्मी के सर पर रखते हैं, इसको मम्मी उधर साइड गधेरा है। मैं दौड़ दौड़ के इसको फेंक आती हूँ। हाँ हाँ ये मम्मी ने लगा दी दौड़। ये बुढ़िया को देखो बहुत ज्यादा तारान आ रहा है आजकल। तो दोस्तों हमने गोबर अभी और मिक्स करना है और हाथ देख सकते हैं बहुत खतरनाक हो रखे हैं। अभी सामने पापा ट्रैक्टर लगा रहे। तो दोस्तों कल हम लगाएंगे आलू और शायद मौसम भी खराब हो रखा है, कल बारिश भी आ सकती है या बर्फ भी गिर सकती है, तो देखते हैं क्या होता है। मौसम साफ रहेगा तो हम आलू लगाएंगे, वरना क्या करें, मौसम को कौन रोक सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, जो ये आड़ू के जिनमें हमने आड़ू की छटिंग कर रखी थी इसमें फूल आ गए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं ये पहाड़ है और पहाड़ की हसीन हसीन वादियाँ जो कि काफ़ी सुंदर लगती है हमें। बारिश की वजह से हमारे गेहूँ बहुत बड़े हुए हैं, चारों तरफ से हरियाली छा रखी है। मम्मी अभी गुस्से में है क्योंकि मैं अभी तक वीडियो बनाने में थी। तो आगे छो हैं इन मौसम क्यों का जो जो, अरे क्यों मौसम बना तो है ये, देवा कहते हैं जिसको। हाँ हाँ बारिश। हाँ बारिश कहते हैं। हाँ अच्छा, मेरी भाषा में तो देवा, हिंदी में बारिश बोलते हैं और पहाड़ी भाषा में जो बोलते हैं। मैं हिंदी वाली हूँ और ये है पहाड़ी वाली। मैं ठेस पहाड़ी हूँ।
ये है सिन, और जो कि आजकल पहाड़ों में इसकी सब्जी भी खाते हैं। काफ़ी टेस्टी होती है इसकी सब्जी, और इसकी सब्जी से जो रोग होते हैं वो काफ़ी रोग मिटते हैं ऐसा बोलते हैं। ये पूरा दीवार है ये सिन से भरा है, ये देख सकते हैं चारों तरफ से इस दीवार में सिन ही सिन दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों अभी हमने और गोबर मिक्स करना है, आज हमारी वाट लगने वाली है क्योंकि बाबू लोगों ने सामने ट्रैक्टर का जो काम था वो पूरा कर लिया है। हैं तो दोस्तों मम्मी पीछे से मुझे आवाज लगा रही है, आ जा आ जा आ जा। हमने पूरे खेत का ट्रैक्टर लगा दिया है और रात भी होगी, देख सकते हैं आप अंधेरा होने वाला है। अभी हमने बकरियों के लिए हरी पत्ती काटनी है। अब इस खेत का पूरा काम फिनिश हो गया है तो मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो गया है। मम्मी ने यहाँ पर कहीं पर, मम्मी बोली थी मैंने यहाँ पर कहीं पर दराती रखी है, तो कहाँ पर रखी मम्मी ने? अच्छा ये है दराती। और दगड़ियों देख सकते हैं पूरे खेत का काम आज फिनिश हो गया, जो भी खोदना था। हाथ से तो हम खोदते नहीं, ट्रैक्टर से। और देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया, सामने देख सकते हैं लाइट भी जल गई है। तो दोस्तों हमें खेत को आते समय अनरपट्टो हो गया है, और ये है हमारी अडगाड़ की गधरी। ऐसा माना जाता है यहाँ पर पहले जमाने में कढ़ाई बसती थी, क्या ये सच है मी? यहाँ पहले जमाने में कढ़ाई बसती थी ऐसा बोलते थे, क्या ये सच बात है? उल्टी भटे को टम 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 ऐसे बजाते थे पहले के जमाने में, डराने के लिए खाली बोलते थे है? क्या तो सच्ची बात है क्या? वाह कि मैं भदे बजन पड़ गई मी, बजने लगी है भरियाई, देख चलो चलो जल्दी चलो भागो भागो। तो दोस्तों आज हम बना रहे हरे साग जो कि हमें ताई जी ने दिया था। ये है पहाड़ी मिर्च जिसको हम भूनेंगे, और सबसे पहले हम इसे प्याज डालते हैं। ये दोस्तों ये भी भटक भी सकती है, बने रहे ब्लॉग में, देखते हैं भटकती नहीं भटकती। माता जी मुँह को बचा के। हरिया साग खूल पहाड़ में बसी जूल, हरियो साग खूल पहाड़ में बसी जूल, भुनिया मरच के भली खुशबू ऐसा, भुनिया मिर्च के भली खुशबू ऐसा, लूना रोटे खूल पहाड़ में बसी जूल, हरियो साग खूल पहाड़ में बसी जूल, सीढ़ीदार खेत वका सीढ़ीदार खेत वका खेती पाती करूल पहाड़ में बसी जूल। ओ दाजू ओ दाजू ओ भूलू लून रोट खूल पहाड़ में बसी जूल, के बैली पालक सबाजी के बैली खुशबू पहाड़ में बसी जूल। ये मिर्च हमने भून लिया है और इसका कलर कुछ गोल्डन कलर का हो रहा है जो कि। तो दोस्तों मेरे घर में ज़्यादातर मैं मम्मी के साथ रहती हूँ ज़्यादातर, तो मेरी और मम्मी की काफ़ी पड़ती है ना मी है? हाँ तेरी और मेरी बहुत जमती है ना। हाँ नहीं तो मैं ये भी दिखा देती हूँ तेरे को चाकू। अभी कह रही है मेरे को इंग्लिश बोल है, मैं पहले तेरे को नहीं बता रही हूँ अब बताऊँ? हाँ बताओ। दिस इज रोंडर छत से गिरोंडर पत्ती बटोंडर जल्दी अंडर जल्दी चलोंडर। गोबिंदी घास काटे छे काश ब्याडुई पुल बादे छे कम, गोबिंदी त्यारा मेता का जोगी अरे चिमटा छमाचम। ओहो 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 आरा भीड़ा क्या चचम कन्या चिमटी छमाचम, गोबिंदी वारो पड़ोस लाडाई चमती चमाच, गोबिंदी घास काटली काश ब्याडुई फूल बादली कम, गोबिंदी हल्द्वानी का ताला टूका चाह कहोटा, गोबिंदी चिठी माजा देखी लिए
गोविंदी का कड़ डोड़े न गोविंदी का कड़ डोड़े गोविंदी उमर ढल किज समान बोड़िन गोविंदी तेरा माता का जोगी अरे चिमटी चमचम। गुड गुड। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी माता जी की जो आवाज़ है वो काफ़ी सुरीली है, और मम्मी को कभी स्टेज में गाने का मौका मिला तो मम्मी आप जाना चाहोगी? बिल्कुल। तो मम्मी ने जबरदस्त जोड़ मार दिया यहाँ पर, वो भी पहाड़ी। गोविंदी माना ने घबरान गोविंदी दिल पाथर यो गोविंदी हार ने मानन गोविंदी चिमटी छमाछ गोविंदी जोश की बलाछ गोविंदी चिमटी छमाछ। ये है हमारी पहाड़ी अगेठी जिसकी मैंने दिन में लिपाई की थी, जो कि काफी अभी सुंदर और साफ दिख रही है। अब हम आपको इसके ऊपर ले चलते हैं। बाप रे, इसके ऊपर बहुत बड़ा होल है। अगर मैं इसके ऊपर कैमरा ले जाऊंगी तो ये नीचे आग है, मेरा कैमरा जल भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो आपको मैं दिन में दिखाऊंगी। जो ये सब्जी थी वो बन के रेडी हो चुकी है, अब मम्मी आटा गूंदेगी। मम्मी का काम है शाम का सबके लिए खाना बनाना, बस हमारे घर में ज़्यादातर काम मम्मी करती है। वैसे भी हमारे बाबूजी मम्मी को काम करने के लिए तो लाए हैं हमें। हाँ हाँ वही तो। तो दोस्तों आजकल दादा भाई को टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि दादा भाई स्कूल चले जाता है उस सुबह को, और दिन में आती है तो मैं दिन में कहीं और चली जाती हूँ। तो आज के जो ब्लॉग की एंडिंग होगी वो दादा भाई करेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम, जय हनुमान, गुड नाइट, राधे राधे।